हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल निर्मला क्लासेस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 12.1 का सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था क्लास सेवन्थ और अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन जो भी है अपना अपन उसको आइडेंटिफाई करनी है इसमें लाइक like टर्म्स और उनको एक साथ जमाना है ठीक है इस बार पहले क्वेश्चन में अपन को दो दो करके दे रखी थी लेकिन इसमें अपन को एक साथ दे रखा है ए और बी दो पार्ट में ठीक है तो अपन को कुछ नहीं है जो एक साथ, -साथ वाली है जैसे एक्स वाई स्क्वायर उसके साथ वाला क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर जिसके पीछे आ रहा होगा उन दोनों को इस पर साथ में रखना है ठीक है तो अपन एक एक करके आराम आराम से जमाना चालू करेंगे देखिए सबसे पहले क्या है एक्स वाई स्क्वायर तो अपन इसको नीचे लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई स्क्वायर इस पूरे को अब अब पूरे क्वेश्चन में अपन एक्स वाई स्क्वायर ढूंढेंगे एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है जैसे ये एक्स वाई स्क्वायर ये है वाई एक्स स्क्वायर ठीक है वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर अलग अलग होंगे क्योंकि वाई अकेला है और इसमें वाई स्क्वायर है ठीक है इनको नहीं लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर एक्स अब देखो टू एक्स वाई स्क्वायर ये सेम है इसको अपन साथ में लेकर आ जाएंगे टू एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों सेम है तो इनको साथ में रख दिया ठीक है और ढूंढो एक्स वाई स्क्वायर है क्या एक्स स्क्वायर वाई है एक्स वाई स्क्वायर नहीं है ठीक है एक्स स्क्वायर वाई है नहीं है ठीक है अब अपने पास ये खत्म हो गया तो अपन दूसरे वाले पे पढ़ेंगे अपने पास क्या है माइनस फोर वाई एक्स स्क्वायर क्या है माइनस फोर वाई x स्क्वायर अब अपन को क्या ढूंढना है y x स्क्वायर अब ढूंढते हैं y x स्क्वायर ये y x है y x स्क्वायर नहीं है ठीक है अपने पास क्या है y x तो अपन y ये देखिए x स्क्वायर y इसमें भी क्या है x के साथ में x स्क्वायर है इधर भी क्या है x स्क्वायर है y अकेला है y अकेला बस जगह चेंज कर दिए वापस कंफ्यूज करने के लिए जगह चेंज कर दिए पर हो तो दोनों मल्टीप्लायर है मैंने बताया था टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू करो कोई फर्क नहीं पड़ता तो बस इन लोगों ने क्या किया एक्स स्क्वायर को इधर रख दिया वाई को इधर किया हो तो दोनों मल्टीप्लायर है तो ये और ये क्या हो गए सेम हो गए ठीक है तो इसको साथ में लिख देंगे अपन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई ठीक है अब एक्स स्क्वायर वाई और है क्या नहीं और पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई नहीं है तो अपन अगले वाले पे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर तो ये उतारते हैं एट एक्स स्क्वायर अब ढूंढेंगे पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर देखिए इन दोनों का काम हो चुका है ये भी अपन ने ले लिया था आगे ठीक है अब अपन एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर इसको साथ में लिख लेंगे माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए और यह है क्या इसमें देखिए एक और एक्स स्क्वायर है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इसको भी साथ में ले लेंगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक ये भी साथ में आ गया अब देखिए और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो अगले वाले पे बढ़ते हैं अपन ठीक है एक्स स्क्वायर वाई का काम हो चुका है एट एक्स स्क्वायर के बाद में अपन लेंगे सेवन वाई ठीक है सेवन वाई लेते हैं सेवन वाई ले लिया तो अब सेवन वाई के साथ में वाई वाला ढूंढिए ये देखिए वाई अकेला है अकेला है कोई फर्क नहीं पड़ता रहा वाई है ना तो बस इसको वाई को साथ में लिख लेंगे ये लाइक टर्म्स है लाइक टर्म्स को अपन को साथ में लिखना है देखिए और कोई नहीं है अब अगले वाले पे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर अपना हो चुका है पहले ही ले चुके हैं इसको दोबारा मत लिखिए हंड्रेड एक्स एक्स का काम नहीं हुआ है तो अपन हंड्रेड एक्स को ले लेते हैं हंड्रेड माइनस हंड्रेड एक्स सॉरी हंड्रेड एक्स ठीक है इसके साथ वाला ढूंढेंगे देखिए ये रहा थ्री एक्स एक्स अकेला है ना इसमें तो थ्री एक्स एक्स और नहीं है तो अपन दूसरे वाले पे जाते हैं देखिए इलेवन वाई एक्स वाई एक्स भी हो इस क्वेश्चन में पहले नहीं हुआ है अपन ने नहीं लिया तो वाई एक्स को लिखेंगे माइनस इलेवन वाई एक्स पूरे क्वेश्चन में अपन वाई एक्स ढूंढेंगे वाई एक्स देखो ये रहा देखो बस जगह ही चेंज हुई है अगेन करने के लिए जगह चेंज कर दिया एक्स वाई और वाई एक्स दोनों क्या है एक दूसरे के मल्टीपल बस जगह चेंज कर दिया दोनों क्या है सेम ही है तो लिख देंगे अपन टू एक्स वाई ठीक है ये दोनों सेम ही है अब कुछ है क्या देख लीजिए पहले एक बार गिनती कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह आई ही है अपने पास में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह मतलब अपन ने सारी की सारी टर्म लिख दिए कोई दो डबल आपको रिपीट नहीं करनी है और अपन सबको साथ में जमा दिया एक्स वाई स्क्वायर को एक्स वाई स्क्वायर के साथ में वाई एक्स स्क्वायर को वाई एक्स स्क्वायर के साथ में दोनों सेम ही हैं मैंने बताया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीन है वाई वाई अपन ने सेम कर दिया एक्स एक्स अपन ने सेम कर दिया और एक्स वाई एक्स वाई अपन ने सेम कर दिया तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा इसमें और ढंग से आ जाएगा अब अब सबसे पहले क्या लेंगे पहला वाला सबसे पहले लेंगे टेन पी क्यू और अब पी क्यू ढूंढेंगे पूरे क्वेश्चन में पी क्यू पी क्यू पी क्यू ये देखो ये पी क्यू है बस जगह चेंज कर है जगह चेंज का आप ध्यान रखना क्यू पी कर रखा है पी क्यू की जगह लेकिन ये सेम है तो माइनस सेवन QP लिख भी कि इसको QP भी लिख सकते हो और PQ भी लिख सकते हैं मैं PQ लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जगह ही चेंज करनी है आपको यहाँ पर QP लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पी इसको लिख सकते हैं और PQ ढूंढते हैं देखो एक और है 78 QP वापस QP लिख रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपन लिखेंगे इसको सेवनटी एट पी क्यू क्यू पी भी लिख सकते हैं आपकी कोई दिक्कत नहीं है सेम है वो समझने के लिए आप पी क्यू लिखें तो और अच्छा है और इसमें है क्या कहीं पर पी क्यू अब नहीं है तो अपन अगले वाले पे बढ़ते हैं सेवन पी ठीक है सेकेंड वाला उठाता है सेवन पी अब पी ढूंढो पूरे क्वेश्चन में पी 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 ये पी स्क्वायर है पी नहीं है ना तो अलग होगा ये पी देखो पी मिल गया अपन को ये क्या है टू फोर जीरो फाइव पी तो अपन ने साथ में लिख दिया और पी है क्या नहीं और पी नहीं है ठीक है अगले वाले पे बढ़ते हैं एट क्यू अपन को क्या ढूंढना है वो क्यू ढूंढना है तो क्यू ढूंढते हैं अपन क्यू 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 इसमें देखो क्यू है माइनस हंड्रेड क्यू तो माइनस हंड्रेड क्यू को अपन लिख देते हैं ठीक है कोमा लगाते हैं अगला ढूंढते हैं क्यू है क्या और और क्यू नहीं है तो अपन अगले वाले पे बढ़ते हैं हंड्रेड क्यू के बाद माइनस ट्वेंटी थ्री अब ये नंबर है तो नंबर ढूंढेंगे अपन सिर्फ नंबर ढूंढेंगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नंबर है ये देखो फोर्टी वन अकेला नंबर है ना तो इसको नंबर को साथ में लिखेंगे एक्स वाई नहीं लिखना है इसमें सिर्फ नंबर को नंबर के साथ में लिखना है ठीक है नंबर को नंबर के साथ में अपन ने लिख दिया नंबर का काम हो गया अपन देखेंगे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपन ने ले चुके हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखो यहाँ पर लिया था अपन ने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो ये हो चुका है अपने साथ में ठीक है अच्छा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपन से मिस हो गया है बीच में तो इसको अपन अब लिख लेते हैं कोई बात नहीं तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को अब लिख लेते अपन को जल्दी जल्दी में मिस हो गया तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ठीक है अब इसके साथ वाला ढूंढेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये रहा दोनों के बस जगह ही चेंज है ठीक है जगह ही चेंज है लेकिन है दोनों सेम ही पी स्क्वायर पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर है बस मल्टीप्लीकेशन में जगह चेंज कर दी तो दोनों सेम ही है ट्वेल्व पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोई बात नहीं बाद में लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता बस साथ में लिखना है लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है तो साथ में अपन ने लिख दिया और पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर है नहीं ये पी स्क्वायर क्यू है ये भी पी स्क्वायर क्यू है तो साथ में नहीं है अब अगला ढूंढते हैं माइनस फाइव पी स्क्वायर माइनस फाइव पी स्क्वायर ठीक है -5P square, -5P square, अब अपन को क्या ढूंढना है पी स्क्वायर ढूंढना है पी स्क्वायर है, देखते हैं सिर्फ पी स्क्वायर देखो ये सेवन हंड्रेड वन पी स्क्वायर तो इसको लिख लेंगे अपन सेवन हंड्रेड वन पी स्क्वायर ठीक है पी स्क्वायर का काम भी हो गया अब देखते हैं फोर्टी वन अपन ले चुके हैं आगे ये पी भी अपन ले चुके हैं पी की अपन को जरूरत पड़ी थी सेवन पी के लिए तो अपन ने पी ले लिया था आगे ठीक है उसके बाद अपन ने क्यू पी लिया है क्या देख लीजिए अपन ने लिया था टेन पी क्यू में क्यू पी ले लिया था ये भी हो चुका है पी स्क्वायर क्यू अपना बाकी है ठीक है पी स्क्वायर क्यों अपना बाकी है तो अपन लिख लेते थर्टीन पी स्क्वायर क्यू तो इसके साथ वाला ढूंढते हैं पी स्क्वायर क्यू का ये रहा देखो साथ में ही है बगल में ही लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू इसमें भी पी स्क्वायर इसमें भी पी स्क्वायर क्यू इसमें भी क्यू इसमें भी दोनों बस जगह इंटरचेंज कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन इसको भी लिख लेंगे पी स्क्र क्यू ऐसा लिख सकते हैं मैंने बस जगह चेंज कर दी है मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको आप क्यू पी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसको लिख सकते थे इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है ठीक है सेवन हंड्रेड वन पी स्क्वायर अपन ले चुके हैं तो ये खत्म हो चुका है एक बार गिन लेते हैं अपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इधर देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो अपनी फिफ्टीन फिफ्टीन दोनों पूरी हो चुकी है कोई बचा नहीं है नंबर और कोई डबल अपन ने नहीं लिखा है तो यहाँ पर यह एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्वेल्व पॉइंट वन खत्म होती है नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्वेल्व पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें थैंक यू